सो यार लेकर आ चुके हैं एक और अमेजिंग वीडियो जिसमें आप लोग को मैं बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लोग को अपने जो फिंगर्स है, किस तरीके से आप लोग को अपना जो हैंड है वो मूव करना है रिकॉल कंट्रोल करते टाइम। रिकॉल का तो एक तरीके से नाम है। ये वाली वीडियो में आप लोग को एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लोग को जो अपनी फ़ोन है उसकी ग्रिप रखनी है, किस तरीके से आप लोग को अपना फ़ोन मूव करना है, मैं आप लोग को विद हैंड कैम बताने वाला हूँ। और साथ ही मैं आप लोग को सेंसिटिविटी का मैं कोड देने वाला हूँ कि ये वाला कोड दे दूंगा जिससे आप लोग की लाइक जायरो की भी सेंसिटिविटी हो जाएगी, नॉन जायरो की भी हो जाएगी। इवन आप लोग कोई से भी डिवाइस में आप लोग यूज़ लेना चाहो, लाइक आईफोन में यूज़ लेना चाहो, कोई से भी हाई एंड एंड्रॉयड में यूज़ लेना चाहो, लो एंड एंड्रॉयड में यूज़ लेना चाहो, सारी वाली जो डिवाइसेस है उसमें ये वाली सेंसिटिविटी एकदम परफेक्टली यूज़ आने वाली है। लेकिन सेंसिटिविटी चेंज करने से ही कुछ नहीं होगा, आप लोग को कुछ और भी चीज़ें करनी पड़ेंगी, कुछ और भी ट्रिक्स यूज़ लेनी पड़ेगी, जब जाके अपना जो एकदम मतलब ओपी लेवल का लाइक जोनाथन स्काउट मॉडल मॉडल भाई तो अभी निकल लिए कुछ और मतलब कई सारे ऐसे गॉबलिन वॉबलिन जो भी आप लोग स्पोर्ट्स प्लेयर देख रहे हो ना, उन सब की तरह आप लोग का एम हो जाएगा। वो किस तरीके से मूव करते हैं वो सारी चीज़ें मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑल पे कर लेना ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो को मिस ना कर सके। सो अभी ज़्यादा ना बकवास नहीं करते, सीधे से वीडियो में बढ़ते हैं। तो यार देखो सेंसिटिविटी एंड सेंसिटिविटी कोड वो चीज़ तो मैं आप लोग को एंड में दे दूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ और पॉइंट्स है कुछ वो बता देता हूँ। सो सिंपली फर्स्ट पॉइंट आ जाता है कि आप लोग अपने फ़ोन की ग्रिप को किस तरीके से ले रहे हो। फ़ोन की ग्रिप मतलब वो हाफ ग्रिप और एंगल ग्रिप की बात नहीं कर रहा, वो चीज़ें अलग हो जाती है। आप लोग फ़ोन को किस तरीके से होल्ड कर रहे हो वो चीज़ मैटर करती है, क्योंकि देखो मैंने देखा है कि लाइक मैं फ़ोन को जिस तरीके से होल्ड करता हूँ, अगर और दूसरी तरीके से मैं होल्ड करने लग जाता हूँ तो मेरा एम वेम सब कवाड़ा हो जाता है, कहते बिगड़ जाता है ना। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखनी है कि आप लोग का जो अपना ग्रिप है वो इस तरीके से सेट करना है कि लाइक आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। अब वो ग्रिप आप लोग कैसे भी रख सकते हो, लाइक कई लोग क्या करते हैं कि अपनी जो कोहनी है उनको दोनों कमर के पास रख के फिर अपना ग्रिप करते हैं, लाइक जी गोड़, गोड़ल का जी गोड़ है ना, और अदर थिंग्स लाइक और तकिया लगाते हैं एंड तकियों को अपनी गोदी में रखते हैं एंड वहाँ पर अपनी जो क्या बोलते हैं उसको कोहनी है उसको रखते हैं और फिर मूव करते हैं। ये दूसरा हो गया। थर्ड वन क्या करते हैं कि ये जो तकिया होता है उसको इस तरीके से रखते हैं कि जो आधा पेट पे और आधा नीचे है ना, तो उससे क्या होता है कि अपनी जो कोहनी है उनको बीच में रख देते हैं तकिए के, और उससे क्या होता है, अब यार मैं वीडियो तो बना के बता नहीं सकता वरना आप लोग को और अच्छे से समझा सकता हूँ, लेकिन अभी ऐसे से ही काम चला लो है ना, तो उसके बीच में रखें और फिर आप लोग ग्रिप कर सकते हो। तो ये चीज़ें आप लोग को ध्यान में रखनी होगी कि आप लोग की ग्रिप परफेक्ट होनी चाहिए। अगर आप लोग की ग्रिप परफेक्ट नहीं होगी तो आप लोग को जो स्प्रेस वगैरह है वो थोड़े से इधर उधर होंगे और आप लोग को दिक्कत होगी। सो अब है ना ज़्यादा फालतू की चीज़ें नहीं बताते आप लोग को, मेन चीज़ ये चलते सीधे से ट्रेनिंग ग्राउंड में, वहाँ पर जाके मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरीके से आप लोग को सेंसिटिविटी सेट करनी है। मैं अपनी सेंसिटिविटी बताने वाला हूँ और कोड है वो भी आप लोग को मैं दे दूंगा। बाकी अगर कोड देखो एक्सपायर हो जाता है तो यार थोड़ा सा अगर एक दो बंदों को ही चाहिए तो आप लोग कॉपी कर लो, और अगर ज़्यादा बंदों को मेरे को ऐसा लगेगा तो मैं लाइक इंस्टाग्राम में जो स्टोरी है उसमें डाल दूंगा, तो आप उसके लिए आप लोग इंस्टाग्राम जाके पहले फॉलो कर लेना भूलना। अब यार यहाँ पे आप लोग हैंड कैम मैंने लगा दिया है, अब आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से मैं अपने फ़ोन को टिल्ट करता हूँ जब मैं स्प्रेज वगैरह देता हूँ, जब मैं एम वगैरह शिफ्ट करता हूँ। सो यहाँ पे बेसिकली बैकग्राउंड में वीडियो चली रही है, बैकग्राउंड में हैंड कैम चली रही है, वो आप लोग प्रॉपरली देख लो एंड उसके बाद में एनालाइज कर लो कि किस तरीके से मैं लेफ्ट राइट मूव करता हूँ, उससे ना आप लोग को एक हेल्प मिलेगी। अब है ना ये चीज़ तो है नहीं कि आप लोग इसको देख के अपना सेम डिटो कॉपी कर दोगे आप और आपका स्प्रे कंट्रोल हो जाएगा, नहीं। एक्चुअली में क्या होता है कि देखो मेरे को ना ये क्यूरियोसिटी होती है कि लाइक मैं ये चीज़ देखूँ कि जो भी स्पोर्ट्स प्लेयर है लाइक जोनाथन स्काउट एंड ये सारे ये प्लेयर्स, उनका मैं हैंड कैम देखने की ट्राई करता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने जो ये BMPS चल रहा है तो उसके जो POVs देख रहे हैं अपने साइड में POV देखने को मिलते हैं, तो उनको ना डीपली देखा कि किस तरीके से मैंने फुल क्वालिटी वगैरह करके कैसे तैसे करके जुगाड़ लगा के मैंने सारे प्लेयर्स के हैंड कैम देखे। जब जाके मेरे को रियलाइज़ हुआ कि देखो एक चीज़ है कि अगर आप लोग किसी और का कॉपी करना चाहोगे ना तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आप लोग का जैसा चल रहा ना वो बेटर है, मतलब ऐसा नहीं बता रहा कि उससे कतई फ़ायदा नहीं होता, नहीं फ़ायदा तो होता है, लेकिन उससे अपने को एक गाइड मिलती है कि हाँ अपने को ऐसा करना है। ये नहीं कि अपन डिट्टो उसकी तरह कॉपी करके उसकी तरह मास्टर बन जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होता। आप लोग जितनी प्रैक्टिस करोगे उस हिसाब से मास्टर बनोगे। मैंने जितनी प्रैक्टिस करी है उस हिसाब से मेरे स्प्रेज एंड कंट्रोल्स इतना अच्छा हुआ है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना होएगा ना। तो मेन चीज़ यही आती है कि आप लोग ये सारी चीज़ें करने के बाद जो जो मैंने वीडियो में प्रीवियसली बताई है और सेंसिटिविटी जो मैं बताने वाला हूँ, तो वो सारी चीज़ें करने के बाद आप लोग को मेन चीज़ है प्रैक्टिस करनी है। वो अगर आप लोग नहीं करोगे ना तो आप लोग को कुछ भी फायदा नहीं होगा। डेली उठो, रूटीन बनाओ कि आप लोग को प्रैक्टिस करनी है, जब जाके आपको फायदा होगा। तो अब मैं आप लोग को सीधे लेकर चलता हूँ अपनी सेंसिटिविटी में और कोड भी मैं आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा।
पर कई बार क्या होता है कि कोड काम नहीं करता है, तो उस केस में आप लोग वीडियो में आओ और वहाँ से लाइक सेंसिटिविटी कॉपी कर लो। मान लो आप लोग को एक दो स्कोप की चेंज करनी है तो डायरेक्ट वीडियो में देख के स्क्रीनशॉट लेके वहाँ से जाके आप लोग डायरेक्ट कॉपी कर सकते हो। और मेरा मानना ये है कि आप लोग अपनी जो थर्ड पर्सन नो स्कोप वाली सेंसिटिविटी है ना, उसको चेंज मत करना, क्योंकि उसको चेंज करने से क्लोज रेंज बेकार हो जाती है। आप लोग जो भी स्कोप्स वगैरह उनकी चेंज कर सकते हो। ओके, अब यार देखो यहाँ पे जायरोस्कोप की तो बात हो ही गई है, अब बात कर लेते हैं नॉन जायरोस्कोप की। तो सबसे पहले जाते हैं एडवांस में एंड यहाँ पे कर देते हैं अपन जायरो को क्लोज, सेंसिटिविटी में जाते हैं एंड जो कैमरा की सेंसिटिविटी है उसी को कॉपी करनी है अपने को एडीएस वाली में। तो रेड डॉट की कर देते हैं 60, 3x की कर देते हैं 25। अब यहाँ पे अपनी हो गई 60 और एक दो ऊपर नीचे हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो आप लोग अपने स्क्रीन के हिसाब से भी थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो हल्का फुल्का। अब मैं आप लोग को स्प्रे देके बता देता हूँ। सो यहाँ पे स्प्रे तो एकदम मक्खन जा रहा, कहते मस्त कंट्रोल हो रहा, लेकिन दिक्कत आ रही है एक्यूरेसी में। तो वो क्या है कि यार 1.5 साल से यूज़ नहीं लिया मैंने, मतलब मैंने काफ़ी पहले से जायरो को बंद कर दिया। मैंने स्टार्टिंग में यूज़ लिया था नॉन जायरो, तब एकदम कते चुम्मा जाती थी रिकॉल और कते कंट्रोल एकदम एक्यूरेसी एकदम टॉप लेवल थी ना। इस वजह से ये वाली सेंसिटिविटी मैंने आप लोग को दी है एंड उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। जिस तरीके से मैंने आप लोग को हैंड कैम से समझाने की ट्राई करी है तो आप लोग को पसंद आएगा। तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना कि किस तरीके की आप लोग को ये वीडियो लगी एंड और भी फ्यूचर में कोई कंटेंट हो जो मैं डाल सकूँ तो वो मेरे को आप लोग बता देना। एंड बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट। बाकी मेक श्योर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑल पे कर लेना और इंस्टाग्राम पे मेरे को जाके फॉलो कर लेना। बाय बाय गाइस, पीस आउट।